सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने बुरे दौर से गुजर रही है। इसी कारण BSNL अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL कर्मचारियों का एक महीने का लंबा इंतजार खत्म हो चुका है। BSNL ने अपने कर्मचारियों को अगस्त महीने की सैलरी दे दी है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग एडिटर PK पवार ने इस संबंध में जानकारी दी। पवार ने कहा कि कंपनी ने पिछले सप्ताह ही कर्मचारियों के खाते में सैलरी ट्रांसफर कर दी है। सभी कर्मचारियों को अगस्त महीने की सैलरी मिल गई है। आंतरिक स्तर पर इस रकम की व्यवस्था कर ली गई है। गौरतलब है कि महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड यानी MTNL और BSNL दोनों सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं। बीते कुछ समय से दोनों कंपनियां घाटे में चल रही हैं। घाटे में चलने की वजह से बीते कुछ समय में इन दोनों कंपनियों को अपने कर्मचारियों की सैलरी देने में परेशानी झेलनी पड़ रही थी। एक अनुमान के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2018-19 में BSNL का कुल घाटा करीब 14,000 करोड़ रुपए का है। कंपनी का कुल रेवेन्यू घटकर 19,308 करोड़ रुपए का रह गया है। पब्लिक सेक्टर की इस कंपनी को वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुमानित घाटा 4,859 करोड़ रुपए का रहा। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 4,793 करोड़ रुपए का रहा। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 7,993 करोड़ रुपए का रहा। वित्तीय वर्ष 2018-19 में ये बढ़कर 14,202 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह आंकड़ा संसद में दी गई जानकारी के आधार पर है। मौजूदा समय में BSNL में कुल 1,65,179 कर्मचारी काम कर रहे हैं। दूसरी ओर दोनों कंपनियों का संकट सामने आने के बाद से ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डॉट लगातार इन्हें वित्तीय संकट की स्थिति से बाहर लाने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए डॉट रिवाइवल पैकेज भी लेकर आया है, जिसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी VRS, संपत्ति का मौद्रीकरण और 4G स्पेक्ट्रम के एलोकेशन शामिल है। अब भारत की इन सरकारी कंपनियों का भविष्य क्या होगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की मदद से BSNL और MTNL जल्द संकट से उभर सकें।